शर्मा कहते हैं। नमस्ते, मेरा नाम शारदा है, मैं बस 7-1 दिन के लिए यहाँ रहने आई हूँ। वो क्या है ना, बेटा घर की शिफ्टिंग में लगा हुआ है, तो मेरी देखभाल करने के लिए कोई नहीं था। अच्छा, तो क्या करता है आपका बेटा? बहुत बड़ी कंपनी में काम करता है जी। अरे जरा उसे फोन करके पूछ तो लो कि उसने खाना खाया कि नहीं। बेटा, तुझसे बस इतना पूछना था कि तूने खाना खाया कि नहीं। तो क्या कहा आपके होनहार बेटे ने? थोड़ी देर में फोन करता हूँ कहकर रख दिया उसने फोन। सालों से हुआ, बहुत कुछ देख लिया है मेरी नाखूने। अब जितनी जल्दी आप इस जगह को अपनाएंगी उतना ही अच्छा होगा आपके लिए। कैसी बातें करते हैं आप? मेरा बेटा वैसा नहीं है, बहुत प्यार करता है वो मुझसे। मैं भी वही सोचता था। बचपन में मैंने मेरे बेटे को बड़े लाड़ प्यार से संभाला था, उसकी हर फरमाइश पूरी किया करता था। लेकिन बड़े होने के बाद उसने मेरे जायदाद पेपर पे सिग्नेचर लेकर मुझे घर से बाहर ऐसे निकाल दिया मानो मैं उसका कुछ हुई नहीं। शायद आपका बेटा ना आपसे प्यार ही नहीं करता होगा, पर मेरा करता है मुझसे। और मैं यहाँ कैसे रह सकती हूँ अपने बेटे से दूर? बिल्कुल नहीं। वैसे ये जगह इतनी बुरी भी नहीं है, सुकून है, शांति है, समय पे खाना मिल जाता है, कुछ दोस्त बन जाते हैं, और क्या चाहिए। मैं तो कहता हूँ बस आप भजन कीर्तन में अपना ध्यान लगाइए। हमारे जैसे बूढ़ों को अपने बेटे ही नहीं पूछते तो ये समाज क्या पूछेगा। देखिए, मैं कहना तो नहीं चाहती हूँ लेकिन कह रही हूँ कि आप मुझसे जलते हैं, क्योंकि मेरा बेटा तो मुझे लेने आ जाएगा और आपको कोई पूछता तक नहीं है। देखते हैं, मैं सही हूँ या हाँ बेटा। अरे रहने दीजिए शारदा जी, नहीं उठाएगा। हाँ बेटा, पबजी खेल रहे हैं। पबजी क्यों रखवा दिया बेटा? आपको मेरी बातें बुरी लगती है लेकिन मेरी बात मानिए, ये उम्मीद बांधने का कोई फायदा नहीं। जो हो रहा है उसे बर्दाश्त कर लीजिए, यही हमारा नसीब है। नसीब आपका बुरा होगा, देख लीजिएगा, मेरा बेटा मुझे लेने आ जाएगा और फिर मैं आपको बताऊंगी। मुझे तो बस इस बात की टेंशन है कि वो मेरे बिना रह कैसे पा रहा होगा। देखिए शारदा जी, मैं भी चाहता हूँ कि आपका बेटा आपको लेने आए, लेकिन मैं जानता हूँ इस वृद्धाश्रम में जो एक बार आ गया वो इतनी आसानी से नहीं जा सकता। अगर उसे जाना भी हो ना तो सिर्फ मौत उसे ले जा सकती है। आप ना बेकार की बातें करते, मुझे नहीं लेना यार। मैं अभी अपने बेटे को फोन करती हूँ, देख लीजिएगा वो आज ही मुझे यहाँ से ले जाएगा। क्या
बेटा सुन, तू आज मुझे यहाँ से ले जा। माँ, काम का प्रेशर काफी ज्यादा है, तो मैं ये कह रहा था कि माँ और कुछ दिन वहाँ मैनेज करूँ। एक जन है आपको, एक जन है। शर्मा जी, शर्मा जी, क्या हुआ शारदा जी? बैठिए, बेटे को फोन करिए ना। हाँ फोन कट गया शारदा जी। एक काम करिए, मेरे बेटे की फोटो मुझे दे दीजिए। और एक बार ट्राई करिए ना। फोन कट गया शारदा जी। शारदा जी, शारदा जी, शारदा जी, ये पहली बार नहीं हुआ है मेरे साथ। शारदा जी पहली नहीं थी जिन्होंने मेरे सामने दम तोड़ दिया। एक्टिंग में भारी है, पता नहीं क्यों इतनी उम्मीदें पार रखी थी उन्होंने। उम्मीदों से सिर्फ दर्द मिलता है, ची क्यों छोड़ जाते हैं बच्चों में तिल तिल मरने के लिए, अपने इंटर मुंटो क्या था उनके लिए। अरे उसके बदले थोड़ा सा प्यार दे देता तो क्या जाता था इनका। अरे कोई है शारदा जी के फोटो को लेकर आ और कह दो ये कब तक हो गया हो तो ले जाओ उनको। एक गया नहीं, केक आ गया। नहीं नहीं भाई साहब, मैं यहाँ ज्यादा दिन के लिए नहीं, बस 7-8 दिन के लिए ही तो आया हूँ। आया हूँ, आई उसके बाद मेरा बेटा आएगा और मुझे यहाँ से ले जाएगा। सब यही कहते हैं। एक नंबर जमा।